हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? ठीक हैं? उम्मीद करते हैं आप सब अच्छे से होंगे और एग्जाम की तैयारी कर रहे होंगे। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं अवध विश्वविद्यालय के बीएड सेकेंड ईयर, जी हाँ, बीएड सेकेंड ईयर के थर्ड पेपर में हम देखेंगे कि सेक्शन सी में, यानी कि लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस में कौन कौन से प्रश्न पूछे जाते हैं, और मैं अपने तरफ से कुछ क्वेश्चंस गेस करूंगा। उम्मीद करूंगा कि वही क्वेश्चन 2022 में इस बार एग्जाम में पूछा जाए। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि पिछले 3 सालों में किस प्रकार से क्वेश्चन पूछे गए हैं, और लास्ट में देखेंगे कि मेरा प्रेडिक्शन क्या है और मेरा गेस क्या है इस बार के क्वेश्चन के लिए। तो सेक्शन सी की बात करेंगे। सेक्शन सी में आपको पता है कि आपके 4 प्रश्न दिए जाते हैं, और इन 4 प्रश्नों में से किसी 2 प्रश्न का आंसर करना होता है, 2 प्रश्न का उत्तर लिखना होता है। तो देखिए, 2020 में आपसे कौन सा प्रश्न पूछा गया था दोस्तों? सेक्शन सी का पहला सवाल आपसे पूछा गया था कि बौद्धकालीन शिक्षा के उद्देश्यों एवं आदर्शों का उल्लेख कीजिए, वर्तमान परिप्रेक्ष्य में इसकी प्रासंगिकता का वर्णन करिए। सवाल को बड़े गौर से सुनिएगा कि बौद्धकालीन शिक्षा के उद्देश्य और आदर्श के बारे में पूछा गया था। सेक्शन सी में दूसरा सवाल 2021 में पूछा गया था, दूसरा प्रश्न आपसे पूछा गया था 1986 के प्रमुख विशेषताओं, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 के प्रमुख विशेषताओं के बारे में बताना था, और पीओए के बारे में बताना था। तीसरा प्रश्न आपसे पूछा गया था कि भारतीय शिक्षा के प्रसार हेतु चार्टर एक्ट 1813 के योगदान का वर्णन करिए। ठीक है, जो चार्टर एक्ट लागू किया गया था उससे भारतीय शिक्षा में क्या योगदान हुआ, भारतीय शिक्षा में क्या सुधार हुआ। और चौथा प्रश्न 2021 में पूछा गया था कि जैसे 4 पॉइंट दिए गए थे, SNDT, वुमेन्स यूनिवर्सिटी, एकलव्य, NIOS और कॉन्स्टिट्यूशन वैल्यू, संवैधानिक मूल्य, इन चारों पर टिप्पणी करनी। तो दोस्तों, ये टोटल आपके 2021 के सेक्शन सी में पूछा गया था। चले देखते हैं 2022 की तरफ, क्योंकि जब आप पूरे पेपर्स को देखेंगे ना तो आपको समझ आ जाएगा कि शायद इस बार क्या प्रश्न पूछेगा। तो दोस्तों 2020 में देखें तो 2020 में पहला प्रश्न क्या था, वैदिक कालीन शिक्षा के उद्देश्य एवं आदर्श क्या थे, आज के युग में इनकी प्रासंगिकता का वर्णन करिए। ठीक है, 2020 की बात कर रहे हैं। 2020 में दूसरा सवाल था कि गोखले बिल 1911 का वर्णन करना था। ठीक है, प्राथमिक शिक्षा के क्षेत्र में इसका क्या प्रभाव पड़ा। ओके, तीसरा प्रश्न था भारतीय संविधान में शिक्षा संबंधित प्रावधानों का वर्णन करिए, भारतीय संविधान में शिक्षा संबंधित कितने प्रावधान है उसके बारे में बताना था। और फिर से 10वां प्रश्न सेक्शन सी में लास्ट प्रश्न था, वही फिर से 4 पॉइंट दिए गए थे, जैसे कि राष्ट्रीय पाठ्यचर्य रूपरेखा 2005, समावेशी शिक्षा, राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद और वनस्थली विद्यापीठ, ये 4 पॉइंट दे और इस पे वर्णन करना था। एक साल और देख लेते हैं, फिर मैं आपको बताऊंगा कि मैं किस पॉइंट्स और मेरा गेस क्या है इस साल के पेपर के लिए। तो हमने 2021 देखा, 2020 देखा, आइए हम देख लेते हैं 2019 में कि 2019 में 4 प्रश्न कौन से थे। 2019 के 4 प्रश्न में पहला प्रश्न था कि वैदिक कालीन शिक्षा प्रणाली की प्रमुख विशेषताओं का वर्णन करिए, दूसरा था मैकाले का विवरण पत्र का वर्णन करिए, तीसरा था राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1968 तथा राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 का अंतर स्पष्ट करिए, और वनस्थली विद्यापीठ के बारे में बताना था, और समावेशी शिक्षा से आप क्या समझते हैं, समावेशी शिक्षा की विशेषताओं का वर्णन। तो दोस्तों ये 3 साल 2021, 20 और 2019 में पूछे गए सेक्शन सी में प्रश्न थे। अब इन सारे प्रश्न को गौर से देखने के बाद एक चीज बड़ी कॉमन और एक चीज बड़ी ही गौर करने वाली बात है, वो ये है कि तीनों साल के जो पहला प्रश्न था वो बौद्धिक कालीन शिक्षा, वैदिक कालीन शिक्षा से संबंधित था। तो शायद ये हो सकता है कि 2022, क्योंकि पिछले 3 साल से बौद्धिक कालीन और वैदिक कालीन से संबंधित प्रश्न आ रहे हैं, तो शायद हम ये मान सकते हैं कि 2022 में कम से कम एक प्रश्न तो शायद बौद्धिक कालीन, वैदिक कालीन, मुस्लिम कालीन शिक्षा से पूछा जा सकता है। पर आपको पता है सेक्शन सी में केवल 2 ही प्रश्न करने होते हैं, तो अगर एक प्रश्न बौद्धिक कालीन, वैदिक कालीन और मुस्लिम कालीन इस शिक्षा के आदर्श और उद्देश्य से पूछता है तो एक प्रश्न तो हमारा यही खत्म हो गया। और इसकी वीडियोस बन चुके हैं और इसके बारे में आपको पता है, मुझे पता है क्योंकि आपने फर्स्ट ईयर में इसको पढ़ा था। ठीक है, तो दोस्तों मेरा पहला गेस ये है कि सेक्शन सी में एक प्रश्न आपको शायद मिल सकता है बौद्धिक कालीन, वैदिक कालीन और मुस्लिम कालीन शिक्षा के, चाहे आप विशेषता पूछ ले, आदर्श पूछ ले, उद्देश्य पूछ ले, लेकिन हाँ इससे संबंधित एक प्रश्न आपको मिल सकता है। दोस्तों दूसरा मेरा गेस ये है कि आपने देखा कि इन 3 सालों में कई बार से, जैसे कि चार्टर एक्ट 1813 के बारे में पूछा, मैकाले के बारे में पूछा, तो हो सकता है कि इस बार भी इससे संबंधित एक प्रश्न पूछे। अब उसमें मैकाले का विवरण पत्र और 1813 का आज्ञा पत्र की या 43 धारा की व्याख्या, तो इससे संबंधित एक प्रश्न आपको वहां पे मिल सकता है दोस्तों। और तीसरा मेरा प्रेडिक्शन ये है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति, जैसे राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 या फिर हो सकता है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के बारे में पूछ ले,
तो मेरा तीन प्रश्न है दोस्तों, मेरा तीन गेस पेपर है 2022 के लिए, तो मेरा तीन गेस क्वेश्चन है 2022 के लिए। तो मैं उम्मीद करता हूँ इन तीन प्रश्न में से कोई दो प्रश्न आपको जरूर एग्जाम में मिलेगा। बाय द वे ये मेरा गेस है, मे भी कुछ अलग एग्जाम्स में पूछा जा सके और मे भी पेपर बनाने वाले कुछ और तरीके से देख रहे हो, मगर हाँ पिछले 3 साल की रिसर्च से यही लगता है कि इन तीनों से प्रश्न है। अब बात हो गई प्रश्न की, अब बात करेंगे आंसर्स की। तो दोस्तों तीनों कालीन शिक्षाओं के आंसर्स आपको पता है, उसकी वीडियोस भी ऑलरेडी अवेलेबल है। जो मेरा दूसरा गेस था, मेकाले का विवरण पत्र हो गया, वुड डिस्पैच हो गया, 1813 ईस्वी का घोषणा पत्र हो गया, इंस प्राच्य पश्चात विवाद हो गया, तो ये सारी चीजों के भी वीडियोस बने चुके हैं। तीसरा वीडियो नहीं बना है जो कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति के बारे में, तो जो भी राष्ट्रीय शिक्षा नीति उनका अंतर स्पष्ट करना या फिर उनकी उद्देश्य बताना या फिर उनकी विशेषताएं बताना, इसकी वीडियो बहुत जल्द मेरे चैनल पे बता दी जाएगी। दोस्तों उम्मीद करता हूँ ये रिसर्च आपको अच्छा लगा होगा, बाकी आप इसके अलावा भी पढ़िएगा, मगर ये तीन चीज आप जरूर पढ़िएगा। तो इस वीडियो में फिलहाल इतना ही दोस्तों, मैं छोटी सी रिसर्च की मेरी ख्वाहिश थी कि मैं आपके साथ शेयर करूँ, उम्मीद करता हूँ कि आपको अच्छा लगा होगा और आप सीरियसली 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 इन तीनों चीजों को पढ़ेंगे, नोट्स बनाएंगे, अपने शब्दों में लिखेंगे और खत्म कर देंगे। और हाँ मैं एक चीज आपसे कह सकता हूँ, इन तीनों चीजों को पढ़ने के बाद आप ये सोच सकते हैं कि चलो भैया सेक्शन सी में जो भी प्रश्न आएगा यू कैन इजिली सॉल्व दैट। ओके तो इस वीडियो में फिलहाल इतना ही, बहुत बहुत शुक्रिया, मिलेंगे अगली वीडियो में राष्ट्रीय शिक्षा नीतियों के बारे में बात करते हुए। तब तक अपना खूब ख्याल रखिए, पढ़ते रहिए और कमेंट में अपनी राय जरूर दें, सब्सक्राइब नहीं किए तो रेड वाले आइकॉन पर क्लिक करिए, साथ में जो घंटी वाला ना घंटी वाले को भी घंटी बजा दीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए जब भी मेरे चैनल पर वीडियोस अपलोड किए जाए। बहुत बहुत शुक्रिया।